ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਮ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 20-30 ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ आम जिवें घरां दे विच प्रकाश नहीं हुंदा उत्थे भी प्रकाश नहीं सी सब तो पहला बेनती है प्रकाश नहीं सी गुरु साहिब जी दा ते ना कोई चंदूआ साहिब सी मैनूं फोन आ रहे कि उत्थे चंदूआ नहीं कोई चंदूआ साहिब नहीं सी साडी कीर्तनियां दी स्टेज बहुत उपर सी ते जिहड़ी संगत बैठी सी ओह नीचे बैठी सी सामने साडे जोड़ी बैठी सी जोड़ी दी बैठक नहीं सी जोड़ी साडे सामने बैठी सी पर सारिआं दी बैठक सेम सी मन विच ठेस पहुंची है मैं खिमा मंगदा उस दे लई हाँ अगे तो जरूर ध्यान विच रखांगे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह साध संगत जी आप जी नूं दस ने बेनती करनी है मैनूं बहुत सारे फोन बहुत सारे मैसेज आ रहे ने वट्सएप ते भी मैनूं अते जिहड़े फोन भी आ रहे ने संगतां दे मन विच इक ठेस पहुंची है कि भाई जसकरन सिंह तुसीं कल कीर्तन करके आए दिल्ली ते उत्थे बैठक सी बैठक बारे तुसीं बोलिए क्यों नहीं जोड़ी नूं जोड़ी बैठक ते बैठी हुई सी ते मैं आप जी नूं बेनती करनी चाहुंदा आम कीर्तन जिहड़े रोज़ असीं करदे हां बहुत सारे घरां दे विच कीर्तन इदां ही हुंदा है कई बार प्रकाश नहीं भी हुंदा असीं कीर्तन करके परिवार दे मैंबर 20-30 बैठ के असीं कीर्तन करके आउंदे हां उसी तर्हां ही मैं कल भी कीर्तन करके आया ते मैनू जदों मैसेज आए ते मैं हुण लाए अपनी जिहड़ी वीडियो दे दौरान आप जी नूं बेनती इह करनी चाहुंदा जिन्हां दे मन विच ठेस पहुंची है मैं इस करके आप जी नूं बेनती करनी चाहुंदा साध संगत आम जिवें घरां दे विच प्रकाश नहीं हुंदा उत्थे भी प्रकाश नहीं सी सब तो पहला बेनती है प्रकाश नहीं सी गुरु साहिब जी दा ते ना कोई चंदूआ साहिब सी मैनूं फोन आ रहे कि उत्थे चंदूआ नहीं कोई चंदूआ साहिब नहीं सी साडी कीर्तनियां दी स्टेज बहुत उपर सी ते जिहड़ी संगत बैठी सी ओह नीचे बैठी सी सामने साडे जोड़ी बैठी सी ਤੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਇਕੱਲੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੇਮ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ मैं इस करके मुनासिब नहीं समझिया कीर्तन करदिया क्योंकि मेरा ध्यान कीर्तन विच सी कीर्तन करदे मैं मुनासिब तां नहीं समझिया क्योंकि बहुत वड्डे महान वह साडे जथेदार साहब ने भी अगर वह भी आंदे जांदे रहिंदे ने कीर्तना ते इस करके मैं मुनासिब नहीं समझिया जिहड़ी संगत नूं मन विच ठेस पहुंची है मैं खिमा मंगदा उस दे लई हाँ अगे तो जरूर ध्यान विच रखांगे जे सानू अगे तो कोई साडे लग्गिया सामने कोई गड्डे क्यों कोई भी वड्डी शख्सियत मैं हूँ जथेदार साहब जी दी सत्कार वजो मैं नहीं सी बोलिया बट मैं अगे तो बेनती करदा हाँ कोई जथेदार साहब की कोई भी बैठा होवे मैं जरूर बोलांगा मैं सारी भावे कोई दमदमी टकसाल है कोई अपने जथेबंदियां ने सिख कौम दियां जिन्नियां भी जथेबंदियां ने मैनूं फोन आ रहे हैं मैं तुहानूं वादा दवाना अगे तो जदों भी कोई इदां दी मैनूं लगेगा उत्थे मैं जरूर अपना बोलना सही समझांगा भी बोलांगा ते भावें तुसीं मेरा फतेह सिंह मेरे असीं तकरीबन सानूं दोनों भरावां नूं 20 साल हो गए कीर्तन करदिआं नूं साडे पिता जी 40 साल हो गए कीर्तन करदिआं साडे 50-60 साल साडे घर विच कीर्तन करदिआं हो गए बट इदां दी गल नहीं हुई मैनूं अज तक टकसाल वल्लों इन्ना प्यार मिलिया कलगीधर महाराज जी दी इन्नी बख्शिश है महाराज जी बाणी दा फरमान है कलगीधर जी पातशाह जी दी काहू को ध्यान तां कहू देश को मानत है अर कहू महेश को एस बता है कहू कहे विष्णु बिशनायक जाए पजे अगो कटा है जी बार हजार विचार अरे जड़ अंत समय तभी तय है ताही को ध्यान परमा ही जो थे अब है अर आगे हुआ है बहुत सारी बाणी कलगीधर पातशाह जी की जिमें पंचपाई साहब पढ़ते हैं असी जो बाणी पढ़ते सी ना सुंदर गुटका तो बाणी पढ़ते सी गुटका साहब तो वह मारा दुष्ट दुख ते लियो बचाई तो लैके कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता बहुत सारी बाणी पढ़ते सी तो मैं सब समझदा सत्कार सानू पता है मेरे वीर कई कहिंदे तुसीं इन्नी बाणी पढ़दे हो तुसीं सत्कार नहीं कीता सत्कार एक मैं सिर्फ वड्डियां दा आदर मान रखदिआं होइआ मैं नहीं सी बोलिआ मैं फिर बेनती कर देवां मैं वड्डियां दा सिर ओह एमपीस बैठे सी ते उहनां दे परिवार